मैं डॉक्टर वैस अहमद BUMS यूनानी मेडिकल फिजिशियन के तौर पे यहाँ पटना वन मॉल में हेल्थ एंजॉय एक मल्टी मेडिसिन वेलनेस सेंटर है, यहाँ यूनानी मेडिकल फिजिशियन के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हिजामत हम लोग यहाँ पे यूनानी फिजिशियन के तौर पे एक यूनानी मेडिसिन के अंतर्गत हिजामा स्पेशलाइजेशन है, एक हिजामा थेरापी उसके स्पेशली उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को हिजामा के बारे में बताऊंगा। ये हिजामा ट्रीटमेंट बेसिकली हिजामा वर्ड जो है अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टूसक या चूसना। ये मीन्स इसके जरिए से हम जिस्म के ऊपर में कपिंग के जरिए से खून निकालते हैं, गंदा खून टॉक्सिक ब्लड कहा जा सकता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन जनरली मिसकंसेप्शन ये है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये कोई नई ट्रीटमेंट है, लेकिन ये कोई नई ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि हज़ारों सालों से ये प्रैक्टिस में है। दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल टेक्स्ट जो है इब्रस पपायरस उसमें भी इसका जिक्र है, जो 1550 जिसका बताया जाता है कि 1550 BC में वो मिस्र में उसको मिला दरियाफ्त किया गया था, तो उसमें भी इसका जिक्र है। और ओल्डेस्ट जो फिजिशियन हैं ग्रीक फिजिशियन जैसे हिप्पोक्रेट्स गैलेन जालिनोस जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने भी इस ट्रीटमेंट को किया और इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बहुत सारे इस पर यहाँ तक कहा जाता है कि गैलेन जालिनोस अपने कंटेम्पोररी फिजिशियन कुछ लोग थे जो हिजामा प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो उनको क्रिटिसाइज भी किया कि आप इसको कीजिए। उसके बाद फिर आप आ जाइए मिडाइवल पीरियड में, जो गोल्डन एज ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन था, उस एज में भी इस्लामिक जो स्कॉलर्स थे इस्लामिक फिजिशियन जैसे इब्न सीना ज़करिया राजी, इन लोगों ने हिजामा प्रैक्टिस किया। और बहुत इब्न सीना की किताब अल कानून या वेस्ट में कैनून के नाम से पढ़ाया जाता है, यूरोप में 500 साल तक यूरोप के मेडिकल टेक्स्ट बुक के तौर पर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाया जाता था, उन सब किताबों में इसका जिक्र है। तो ये बेसिकली ग्रीक थ्योरी जो है हिप्पोक्रेटिक थ्योरी उस पर है और वहाँ से आया है। और इसमें फिर एक टच आ जाता है, इस्लामिक टच आ जाता है, जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लम ने भी इसको रिकमेंड किया है, तो ये एक सुन्नत भी कहा जाता है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लम ने ख़ुद इस ट्रीटमेंट को कराया और उन्होंने स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया है। बहुत सारी हदीस इस पर है। हिजामा जनरली मस्कुलोस्केलेटल पेन में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो लोकल एप्लीकेशन ये करते हैं हम लोग, जहाँ जो जॉइंट्स पेन है उस पर दर्द जहाँ हो रहा है, तो वहाँ पे कप लगाते हैं और कप्स के ज़रिए से वहाँ मॉर्बिड ब्लड जो है स्टैग्नेंट ब्लड है उसको निकालते हैं। जैसे कि एक मशहूर चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि वेयर देयर इज़ स्टैग्नेशन देयर विल बी पेन, यू रिमूव द स्टैग्नेशन यू विल रिमूव द पेन। तो इस बेसिक पे ये कप लगा करके वहाँ के जो मॉर्बिड मटेरियल है, जो स्टैग्नेंट ब्लड है उसको निकालते हैं, जॉइंट्स पे लगाते हैं, जो अगर जॉइंट्स पेन है या कहीं भी मस्कुलोस्केलेटल पेन है उस पे निकालते हैं। या बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर है जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो बहुत पुराना है, तो उस पे भी वहाँ भी हम लोग ब्लड ये कप्स लगा करके और वहाँ से ब्लड निकालते हैं, जिसके ज़रिए से क्विक रिलीफ मिलता है पेन में तो क्विक रिलीफ मिलता है। और आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है बालों के लिए, सर हेयर फॉल हेयर लॉस में या हेयर रीग्रोथ में बॉल्डनेस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके पीछे ये पैथोलॉजी इसका ये है कि वो वहाँ के सर्कुलेशन को ठीक करने की कोशिश, ये हम लोग इसको कप्स लगा करके और वहाँ कट करते हैं, हल्का सा माइन्यूट सर्जिकल कट करके वहाँ से सुपरफिशियल ब्लड निकालते हैं, जो कि स्टैग्नेंट ब्लड है या आप कह सकते हैं कि मॉर्बिड ब्लड है। उसके जरिए से जो वहाँ से वो ब्लड निकलता है तो वहाँ का सर्कुलेशन ठीक होता है, जिससे वहाँ सर्कुलेशन ठीक होने से एरेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन बाल के जड़ों को मिलता है। अगर हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, जिंदा होते हैं, तो हेयर रीग्रोथ होने के पूरे चांस रहते हैं, और हेयर फॉल हो रहा होता है वो रुक जाता है। ये इसके इस थ्योरी के इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद बालों के लिए ये साबित हो रहा है। सबसे पहले जिस जगह पे हिजामा करना है, जिस सरफेस पे है, उसको हम स्टरलाइज करते हैं पहले, उसके बाद वहाँ पे कप लगाते हैं। कप नेगेटिव संक्शन प्रेशर के जरिए से वहाँ से ब्लड के आसपास के ब्लड को खींचता है, कुछ देर के लिए उसको लगा करके छोड़ते हैं।
लिए छोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि वो स्किन वहाँ हाइपरेमिक हो जाता है, अगल बगल से ब्लड खींचता भी है और वो थोड़ा एनेस्थेसाइज भी हो जाता है, जिसके बाद कट लगाने से वहाँ पे पेन का एहसास कम होता है। सर्जिकल ब्लेड से, स्टरलाइज सर्जिकल ब्लेड से कट लगाते हैं, वो कट बहुत ही सुपरफिशियल होता है जिससे स्किन के एपिडर्मिस के, और उसके बाद कप लगा कर निगेटिव प्रेशर देते हैं जिससे स्किन के एपिडर्मिस से, स्किन बेड से ब्लड ऊज आउट होता है। अगर इतना वो इतना माइनूट कट होता है, इतना सुपरफिशियल कट होता है कि अगर ब्लड लगा करके, एक कप लगा करके हम निगेटिव प्रेशर ना दें तो ब्लड वहाँ नहीं आता है। करके कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लोगों के किसी का ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम अलग, लोगों का अलग अलग वेरी होता है। तो वहाँ पे हम कुछ देर तक लगा करके छोड़ते हैं, जो खुद ब खुद कुछ देर के बाद ब्लड आना बंद हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, फिर उसको हम निकाल देते हैं। हिजामा के कुछ कंट्राडिक्शन है, इंडिकेशन है किन लोगों को करना है, किन लोगों का हिजामा नहीं कर सकते हैं। जैसे मेडिकल टेक्स्ट बुक, यूनानी मेडिकल टेक्स्ट बुक है, उसमें उसके हिसाब से 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 60 साल से कम ज़्यादा उम्र के बूढ़ों का हिजामा नहीं किया जा सकता है। उसी तरह अगर कमज़ोर है, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन कम है, उसका नहीं कर सकते हैं। फिर जो वायरल किसी को है, वायरल डिजीज जैसे हेपेटाइटिस वगैरह, तो उन सब में भी बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया वगैरह है, उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे कंट्राइंडिकेशन हैं जिसका लिहाज रखते हैं। और ये इंडिकेशन में है कि जो लोकल किसी को पेन है, अर्थराइटिस वगैरह है उसमें, या स्किन डिजीज है, या आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का, हेयर लॉस का जो मसला है उसमें करते हैं। ये सियाटिका में एक दो सेशन के बाद ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है इसका, सियाटिका में करते हैं। और जोड़ों के दर्द में तो ये रामबाण इलाज है। अगर आप हिजामा के लिए अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो यहाँ हेल्थ एंजॉय पटना वन मॉल 3rd फ्लोर पे, डाक बंगला चौराहे के पास आकर के हमसे मिल सकते हैं, या फिर मेडिसाला ऐप के ज़रिए से आप हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।